क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। आएगा आएगा। क्या नाम है? ले लो। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल निकलते जाओ बेटा, बैठो मत। जो भाई चादर बिष्णुलाल। बिष्णुलाल बेटा अभी नाम सब लिखा दें। ये नाम बता रहे भाई। मनोज गोलिश्मा। दीवा। 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 मनोज का मेन उद्देश्य जो है सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि जो भी टीबी का उन्मूलन के लिए 2024-25 तक टीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मरीजों का खान पान और इम्यूनिटी को बढ़ाना, उसके उद्देश्य को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम हर विभाग को दिया गया है कि हर एक मरीज को गोद लेकर और हर एक विभाग के कर्मचारी गोद लेकर हर महीने उनको पौष्टिक आहार से संबंधित जितने भी खाद्यान्न चीज़ हैं वो उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनका एक इम्यूनिटी लेवल भी रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े, जिसकी वजह से टीबी जल्द से जल्द ठीक हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ 2024 तक जो है टीबी पूरी तरह से भारत से मुक्त करना है। इसी कार्यक्रम के तहत इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही सराहनीय पहल है ये, और हम सब लोग चाहेंगे कि इस माध्यम से जो है और लोग भी प्रेरित होकर इस कार्यक्रम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएँ, जिससे कि जो कुपोषण से शिकार लोग जो हैं उनका इम्यूनिटी बढ़े और टीबी उन्मूलन में सहायक हो। डॉक्टर डी एन के सरवानी, चेस्ट कंसल्टेंट, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल। नहीं, ये जो वितरण हो रहा है ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो टीबी है, हालांकि पहले तो लाइलाज वाला हुआ करते थे लेकिन अब ये लाइलाज बीमारी नहीं है, अब इसका इलाज संभव है और ये बहुत बस कुछ प्रक्रिया, कुछ दवाओं को खाने से, कुछ पौष्टिक चीज़ों को मेंटेन रखने से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि 24-25 तक टीबी मुक्त जो है अपना देश बनाना है, उसी क्रम में ये हम लोग जो है अभी सरकार की देन है। बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से ही अभी जिलाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग करी थी और जो भी विभाग हैं सबको कहा कि जितने भी हमारे मरीज हैं तो उनके जो भी उनकी इम्यूनिटी को जो है बढ़ाया जाए, उसके लिए उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ पोषक तत्व तो जो है हम लोग दे सकें। तब तक आप वितरण करेंगे? ये वितरण हम लोग करते रहेंगे करीब 6 महीने तक, हर महीना इनको ये जो किट बनी हुई है। पहले वितरण हुआ था? हाँ, ये अभी शुरुआत हुई है क्योंकि ये पिछले फर्स्ट टाइम है और इसके पहले अनुरोध रूप से हर प्रत्येक माह करीब 6 महीने तक ये वितरण होगा, हर एक माह में जो है ये किट इन लोगों को दी जाएगी, फिर एक माह बाद जो है इनको ये किट उपलब्ध कराई जाएगी। और उद्देश्य यही है कि ये लोग जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। बाकी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से मेडिसिन हो या इस तरह के जो चीज़ें हैं सप्लीमेंट्स हैं वो पूरे मुहैया कराई जा रही है, और इससे इन लोगों को अवेयर भी होना है, जागरूक भी होना है, और भी लोग इनके आस पड़ोस के अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको भी बताना, उनको हॉस्पिटल लेके आना है कि आप हॉस्पिटल चलो, ये बीमारी क्योंकि पहले इसको छुआछूत और तमाम तरह से संज्ञा दी जाती थी, लेकिन अभी बीमारी का इलाज संभव है, बहुत आसानी से संभव है और जड़ से इसको ख़त्म किया जा सकता है। Thank you.